फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। पाई प्लॉट में कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल बार चार्ट को, तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर वन देखिए, मैंने लिख दिया हूं वन नंबर स्टेप पर क्रिएट मल्टीपल बार चार्ट। देखिए नंबर वन में डिसाइड नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट मतलब एक्स मतलब क्या हुआ, ये हो गया टिक पॉइंट। टिक पॉइंट डिसाइड नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। कैसे डिसाइड करते हैं एक्स पॉइंट का मतलब हुआ ये, देखिए मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने टिक लगाते हैं, तो ये आपका एक्स पॉइंट हुआ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टिक पॉइंट। टिक पॉइंट ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ सिक्वेंस कॉल्ड एक्स। आपको सबसे पहले एक्स सिक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट होगा, विद द जो क्रॉसपॉन्डिंग आपका टपल होगा या लिस्ट होगा उसके लेंथ से हिसाब से निकल जाएगा। देखिए क्रिएट अ सीक्वेंस कॉल्ड एक्स विद द लेंथ ऑफ ए और बी। ए और बी क्या है, टपल है या आप लिस्ट हो सकता है। बाय यूजिंग रेंज फंक्शन से कर सकते हो, रेंज आप लोग लूपिंग में पढ़े हो, या नंपी डॉट अरेंज फंक्शन, ये बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह काम करता है। मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है लिस्ट में 2, 4, 6, 8। एक्चुअली इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लिस्ट होगा बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे 2.8 लेते हैं, 3.8 ले लेते हैं, 6.5 ले लेते हैं और 7.7। तो ये दो वैल्यू आपको दिया हुआ है ए एंड बी, दो लिस्ट वैल्यू दिया हुआ है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी 4 है। अब देखिए हमको निकालना है एक्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स सिक्वेंस। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे नंपी ले लेते हैं, नंपी डॉट अरेंज, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था डायरेक्ट में ले लिया, या लिखेंगे लेंथ ऑफ ए। ए का जो लेंथ होगा, जैसे ए का लेंथ क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, लेंथ ऑफ ए क्या है 4 आएगा। तो यहाँ पे एक्स का सीक्वेंस क्या बनेगा, 4 है तो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा, 0, 1, 2, 3, ये सीक बनेगा 0, 1, 2, 3। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हमको डिटरमाइन करना है एक्स सीक्वेंस में सबसे पहले निकालिएगा जब भी आप क्रिएट कीजिएगा मल्टीपल बार चार्ट। अब सेकंड पॉइंट आइए, इसमें एडजस्ट करना पड़ता है डिसाइड थिकनेस। आपको थिकनेस डिसाइड करना होगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना थिकनेस का आपको नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर बार बनाना है। डिसाइड थिकनेस ऑफ ईच बार एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट एक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यू वांट टू थिकनेस ऑफ ईच बार इज 0.3, देन द फर्स्ट डेटा रेंज जो भी होगा, फर्स्ट जो आपका रेक्टेंगुलर बार होगा उसका रेंज होगा कीप इट एज एक्स, उसको एक्स ही रहने देना। लेकिन जो नेक्स्ट होगा एंड द सेकेंड डेटा रेंज होगा उसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस ये विड्थ आपको जोड़ देंगे 0.3, एंड उसी तरह से नेक्स्ट होगा एक्स पॉइंट 0.6, इससे तो बढ़ता जाएगा ठीक है ना। अब देखिए थर्ड आर्गूमेंट क्या होगा, कलर आर्गूमेंट है, द गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंज ताकि आइडेंटिफाई कर सके यूजिंग कलर आर्गूमेंट ऑफ बार फंक्शन। नंबर फोर पॉइंट, प्लॉट मल्टीपल बार चार्ट फॉर ईच डेटा रेंज सेपरेटली, अलग अलग आपको डिस्प्ले होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर बनाया हूं, यहां पर देखिए यू वांट टू प्लॉट बार फॉर मल्टीपल बार फॉर डिफरेंट डेटा रेंज। एक रेंज दिया हुआ है ए का लिस्ट है और एक है इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी दिया हुआ, कीप विड्थ ऑफ ईच बार इज 0.35, विड्थ दिया रहेगा, रेड कलर फॉर द फर्स्ट डेटा रेंज एंड ब्लू कलर फॉर द सेकंड डेटा रेंज। यहां इंपोर्ट कर लेंगे, यहां पे दोनों ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक मैट प्लॉट लिप भी करना होगा और जो कि इसका आपको एक्स सीक्वेंस निकालना है तो नंपी भी करना होगा। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी ले लेंगे, अल्टरनेटिव नेम मैट प्लॉट लिप का। तो नेक्स्ट है इंपोर्ट एनएमपी एज एनपी ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को डिफाइन दिया हुआ क्वेश्चन में लिस्ट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, बी इक्वल टू दिया हुआ 2.8, 3.8, 6.5, 7.7, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम एक्स पॉइंट को डिटरमाइन करना है स्टेप नंबर वन।
डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट, टिक पॉइंट। तो कैसे डिटरमाइन होता है, आप लिखेंगे एनपी डॉट अरेंज फंक्शन को पास करेंगे लेंथ ऑफ ए और बी, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होगा, ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। आपका एक्स डिक्लेयर हो गया, एक्स क्या निकल गया आपका 0 1 2 3 निकल गया। अब इस अब चार्ट बनाएंगे, ऐसे करेंगे यहाँ लिखेंगे पीएलटी डॉट बार एक्स कॉमा ए, एज इट इज रहेगा। पहला जो स्लॉट बनेगा रेक्टेंगल बार का बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कॉमा कलर ले लेंगे, कलर इक्वल टू मान लेते हैं पहला दिया हुआ रेड या आर ले लेंगे, या रेड पूरे लिख सकते हो, यहाँ विड्थ इक्वल टू यहाँ दिया हुआ 0.3। अब देखिए नेक्स्ट चाहिए प्लॉट बीएलटी डॉट बार एक्स प्लस 0.35। ये चीज समझाना आपको कि नेक्स्ट जो आपको बनेगा क्रॉसपॉइंट उसके साथ साथ जो लगा हुआ वो एक्स प्लस जो भी आपका मिड तक वो ऐड हो जाएगा, यहां लिखेंगे कॉमा बी कॉमा कलर इक्वल टू क्या है सेकंड का ब्लू, यहां लिख सकते हो ब्लू भी ले सकते हैं बी ले सकते हो, यहाँ विड्थ इक्वल टू दे देंगे 0.3। तो दो आपका क्रिएट हो गया, लिखेंगे डॉट शो हो गया तैयार। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक रफ बना दे रहा हूं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पीएलटी डॉट बार फंक्शन है, यहाँ पे दो वेरिएबल है लिस्ट वेरिएबल एक्स और कॉमा ए, तो एक्स का मतलब वैल्यू क्या हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, यहाँ पे एनपी डॉट अरेंज फंक्शन से लेंथ निकाल चुके हैं, तो इसका 0 1 2 3 ये फोर वैल्यू है 0 1 2 3, और ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू है 2 4 6 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बार चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे टिक पॉइंट पहले डिटरमाइन कर लेते हैं एक्स का, एक्स टिक पॉइंट होता है, तो यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं हमारा 1 0, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जा रहा है, ये हमारा 3 0 1 2 3, ये देखिए 0 1 2 3, ये हमारा एक्स वैल्यू निकाले थे, डिटरमाइन किए थे हम लोग एक्स टिक पॉइंट, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू निकाला, ए क्या है 2 4 6 8, मतलब 8 तक जाएगा, हम ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ तक जाएगा, एक रफ बना दे रहा हूँ 2, ठीक है, उसके बाद 1 की कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, टू की कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, 0.35 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिखा x, अब नेक्स्ट लाइन पे आइए, plt.bar फंक्शन x प्लस 0.35
है ना। तो नेचुरली यहां से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, इस लाइन से 2.8, तो हमारा ये हो जाएगा 2.8 यहां से, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, 2.8 यहां से ये आपका कलर हो जाएगा ब्लू, यहां पे ब्लू कलर दिए, यहां पे ब्लू, बी का जो वैल्यू है। नेक्स्ट हमारा वन का, इसमें क्या आ जा रहा है 3.8, तो 3.8 मतलब इससे कम ही हो गया ना, तो यहां से लेंगे आपका ब्लू आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 6.5 ब्लू। नेक्स्ट होगा 3 का 7.7, तो कमी हो गया 7.7 यहां तक ठीक है, तो ये मल्टीपल बार चार्ट हुआ, क्योंकि आप दो रेक्टेंगुलर बार को एक साथ दिखा रहे हो एक ही टिक पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो यहां पे बढ़ता जाएगा, हमारे एक पॉइंट और होता तो एक्स प्लस इसमें प्लस 0.35 ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया एक्स पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। थैंक यू।